Hi my angels, welcome back to my channel and thank you so much for watching me again. तो ये वाला मेकअप लुक मैंने नवरात्रि के लिए क्रिएट किया है. मेरे चैनल पे एक और मेकअप लुक मैंने शेयर किया है नवरात्रि के लिए. आप लोगों ने वो नहीं देखा है अभी तक तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो. तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपने फेस पे पर्पल का ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ. 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसका अपने फेस पे अप्लाई किया है. जिन लोगों की नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए ये वाला सीरम बहुत अच्छा है. आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करने में हेल्प करती है. उसके बाद मैं यहाँ पे स्टे क्वर्की का प्राइमर अप्लाई करूँगी. प्राइमर को मैं सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी नोज़ के पास थोड़ी बहुत पोर्स फाइन लाइंस वगैरह है उसको ब्लर आउट करने के लिए. फेशियस कनेडा का मैंने फाउंडेशन लिया है, मैट फाउंडेशन है. तो जिन लोगों की कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है. तो एक डैम स्पंज की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी. मेक श्योर आप अपने नेक पर भी अप्लाई कीजिएगा. यहाँ पे मैं नेक पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर. इसको मैं यूज़ करूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, लाइक माय अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ माय नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड फोरहेड पे. सेम डैम स्पंज की हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ये कंसीलर मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा और रिजनेबल प्राइस में अगर देखा जाए तो ये कंसीलर बेस्ट है. कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टे क्वर्की का लूज पाउडर अप्लाई करूँगी. तो इसको मैं सिर्फ अपने अंडर आई को सेट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ और एक ही सेम स्पंज से मैं अपने आई लिड को भी सेट कर रही हूँ. और बाकी का जो पूरा फेस है उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं डैब डैब करते हुए अपने फेस को सेट कर लूँगी क्योंकि मेरा जो बेस है वो अभी थोड़ा गीला है, वेट है. अभी मैं ब्रश को ड्रैग करूँगी तो फाउंडेशन मेरी फेस से मूव करने लगेगा. ऑफ कैमरा में मैंने अपने आईब्राउज को कंप्लीट कर लिया है. वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में से ये जो लाइट कलर का ऑरेंज शेड है इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे आई लिड पे. अपने पूरे आईज पे अप्लाई कर रही हूँ और धीरे धीरे करके कलर को मैं बिल्ड करूंगी. देन ये जो डार्क ऑरेंज मरून कलर है इसको लेके मैं अपने आउटर वी से स्टार्ट करते हुए अपने पूरे क्रीज लाइन पे कलर को अप्लाई करूंगी. तो धीरे धीरे कलर को लेते हुए मैं कलर को बिल्ड कर रही हूँ. देन ये जो शिमर शेड है इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लेके मैं एज ए हाफ कट क्रीज अपने पूरे आई लिड पे ड्रॉ करूँगी. आपके पास अगर कोई दूसरा गोल्डन कलर का शिमर शेड है तो आप डायरेक्टली उसी शेड को अप्लाई कर सकते हो. मैं बस इस शेड को एज ए बेस अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लिक्विड ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ. एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं डैब डैब करते हुए आईलाइनर को अपने पूरे आई लिड पे बिठा रही हूँ ताकि वो दिखने में पैची ना लगे. देन ये जो डार्क चॉकलेट कलर का शेड है इसको मैं सिर्फ अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे अप्लाई करूँगी ताकि आई लुक दिखने में पैची ना लगे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड लगे. लैक्मी का आईलाइनर लिक्विड लाइनर मैंने लिया है. इससे मैं एक बेसिक सा विंग्ड लाइनर ड्रॉ करूंगी.
बहुत पतला करके एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो आइज़ है वो हुडेड आइज़ है। तो जिन लोगों की हुडेड आइज़ है उन लोगों को, वो लोग अगर थोड़ा थिक करके अप्लाई करेगा तो पूरी जो आई लिड पे मैंने अप्लाई किया है आई शेडो वो पूरा ढक जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे NY Bay का काजल लिया है, इसको मैं सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे वाटर लाइन पे काजल को अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ी सी एक्सटेंड कर रही हूँ काजल को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है रेवलॉन का काजल, ये एक लाइट स्काई कलर में है, इसको मैं अपने बाकी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ी सी थिक करके अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में स्मज करूँगी। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं काजल को स्मज कर रही हूँ। अब देख सकते हो ये जो कलर है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा प्यारा लाइट स्काई ब्लू कलर है। तो मैंने अपने दूसरे आई मेकअप भी फिनिश कर लिया है, उसके बाद अपने फेस पे थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे मेवलिन का मास्टर क्रोम पैलेट लिया है, इसमें से ब्रॉन्जर कलर को पिक करके मैं अपने चिक बोन्स को और थोड़ी सी अपने फोरहेड पे ब्रॉन्जिंग करूँगी। अपने फेस पे ब्रॉन्जिंग अप्लाई करने से एक बहुत ही अच्छा सनकिस्ट मेकअप लुक आ जाती है और आपका जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं दिखती है। उसके बाद मिस क्लेयर की पैलेट में से ये कॉन्टोर शेड को पिक करके मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपने चिक बोन्स को कॉन्टोर कर रही हूँ, इससे मेरी फेस थोड़ी सी चिजल्ड और थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड दिखेगी। सेम मेबलिन की पैलेट में से ब्लशर कलर को पिक करते हुए मैं अपने एपल्स ऑफ माई चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और अपने नोज को थोड़ी सी कॉन्टोर कर रही हूँ, इससे जो मेरी नोज है वो थोड़ी सी स्लिम दिखेगी। मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर लैशेस पे और अपने लोअर लैशेस पे। देन अपने पूरे मेकअप को मैं सेट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने यूज किया है ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे। उसके बाद सेम मेबलिन की पैलेट में से हाइलाइटर शेड को पिक करके मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। थोड़ी सी अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ी सी अपनी ब्रिज ऑफ माई नोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे, हर जगह अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये एक ऑरेंज शेड का लिपस्टिक है, लेकिन इसमें पता नहीं कि उसका जो कलर है वो थोड़ी सी पिंक टोन में लग रही है। एंड हेयर इज माई फाइनल लुक गाइस। कैसी लगी मेरी ये आज की मेकअप लुक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई, मेकअप लुक पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो छोटा सा बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अभी आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।